है, बल्कि जो हज पर नहीं जा रहे वो अपने दिल में हज की तड़प और बढ़ाइए। जरा सुनिए हदीसे पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उस दिन के माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सिर्फ उसकी मगफरत नहीं बल्कि वो अपने घर वालों में से भी 400 लोगों की शफाअत फरमाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाजी की मगफरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तगफार करे उसकी भी मगफरत हो जाती है। ये सफर कैसा प्यारा है, अल्लाह ये सफर हम सबको बार बार नसीब फरमाए। जो जा रहे हैं सुभान अल्लाह, उनका सफर रब्बे करीम कबूल फरमाए। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी जर्नी, ये कोई आम सफर नहीं है कि बैग उठाया, टिकट कटवाई और चले गए। नहीं जनाब, ये मगफिरत का सफर है, ये गुनाह मुआफ करवाने के लिए हम जा रहे हैं, ये मगफिरत की खैरात लेने जा रहे हैं। काश इन तसव्वुरात के साथ जाएं कि आज अहराम पहन के जा रहा हूं, एक वक्त आएगा कफन पहन के घर वालों से दूर हो जाऊंगा। आज काबे की जियारत को जा रहा हूं, काबे के सामने पेश होना है, एक दिन आएगा अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। अरफात के मैदान में काश ये तसव्वुर बने कि आज रंगो नस्ल और तरह तरह की बोली बोलने वाले एक मैदान में जमा है, एक ही लिबास है, एक ही सदा है, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। तो सोचिए उस दिन के महशर का मैदान भी होगा जब इसी तरह दुनिया भर के लोग एक मैदान में जमा होंगे, वहां अल्लाह की बारगाह में पेश होना होगा। ये तसव्वुरात का सफर है, ये ख्यालात का सफर है, ये अपने आप को सुधारने का सफर है, बहुत सारे एहसासात लेकर आने का सफर है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का सफर है। अल्लाह करीम हमें हज मकबूल की सआदत अता फरमाए। बहुत सारी अहदीस फजाइल में फजाइल हज में मिलती हैं, अरफा के दिन की तो क्या बात है। अरफा का जो दिन होता है ना, जिस दिन वकूफ़ अरफात होता है, रिवायतों में आता है कि अरफा के दिन वकूफ का हाल यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमान दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है और आका फरमाते हैं कि तुम्हारे साथ मलाइका पर मुबाहात फरमाता है, फखर फरमाता है फरिश्तों के सामने और इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे दूर दूर से परागंदा सर मेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर हाजिर हुए हैं। अगर तुम्हारे गुनाह रेते की गिनती और बारिश के कतरों और समुद्र के झाग के बराबर हो, मैं तुम सबको बख्श दूंगा। ए मेरे बंदो, वापस जाओ, तुम्हारी मगफिरत हो गई और जिसकी तुम शफात करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर बरकतों वाला सफर है। सुभान अल्लाह, हजरत अली बिन मुवफ़िक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने हज की सआदत हासिल की, काबा मुशर्रफा का तवाफ किया, हजरे अस्वद का बोसा लिया, दो रकात नमाज तवाफ पढ़ी और काबा शरीफ के दीवार के साथ बैठ कर रोने लगा। बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, मैंने तेरे घर के न जाने कितने ही चक्कर लगाए मगर मैं जानता नहीं कबूल हुए कि नहीं। फिर मुझ पर हुनूदगी तारी हो गई, गैब से मुझे आवाज सुनाई दी, ए अली बिन मुवफ़िक, हमने तेरी आवाज सुन ली है, क्या तू अपने घर में सिर्फ उसी को नहीं बुलाता जिससे तू मोहब्बत करता है? आए हाय, बुलाया गया है ना तो मोहब्बत की गई है, बुलाया गया है तो नवाजने के लिए बुलाया गया है। करीम के घर जाकर कोई खाली नहीं आता, तो इस यकीन के साथ जाना है कि इंशाअल्लाह बख्शिश होगी, खैरात मिलेगी, गुनाह मुआफ हो जाएंगे और जितना वक्त हो सके हरम पाक में गुजारे।